और चेहरे सबके मुरझाए हुए हैं, सिर्फ राकेश का चेहरा चमक रहा है। और अल्ताफ का बिस्तर वहाँ पर नीचे लगाया है क्योंकि इसको ठंड लगती है रात में 11 बजे बाद में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हालांकि मौसम जिस प्रकार का हो रहा है कि सुबह लग रही है, लेकिन इस वक्त लगभग 3 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं भरतपुर, लेकिन बाइक से नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम बाइक से सिर्फ माधोपुर जा रहे हैं, वहाँ से जो है ट्रेन से जाएंगे भरतपुर। चलिए चलते हैं, भरतपुर का पूरा रास्ता भी एंजॉय करते हैं। चुके हैं भरतपुर जंक्शन पे। जंक्शन पे हाल दब आ गया, ठीक है, सही है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उड़ते पड़ते अल्ताफ को संभालते हुए। क्या मतलब चलना तो कहाँ का? गेले का चलना है, ये बता रहे हैं कि चलना गेले का होना चाहिए, भले फिर गई हो है ना, और इसी वजह से फुट ओवर ब्रिज से ही जा रहे हैं, वरना जा सकते थे, लेकिन वो रेलवे के नियमों का उल्लंघन होता है, तो चंदा प्रभु जी ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। और जगदीश जी यहीं से आपने बताया, और साथ में हमारे सरकारी टीचर भी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा उल्लंघन किसी भी सरकारी जो है नियम कानून का। भरतपुर का नाम तो बहुत सुना हुआ था, लेकिन रात्रि में तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसा नाम सुना हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, स्टेशन भी बहुत ज्यादा। फिलहाल लॉज की खोज की जा रही है, या फिर होटल कोई मिल जाती है तो देखते हैं। रूम ले लिया है हमने, बहुत ही शानदार रूम लिया है, अभी मैं रूम भी दिखा देता हूँ आपको। पहले हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में फिर चलेंगे रूम में, तो रूम आपको दिखाते हैं। चंदा प्रभु जी को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, तो अब खाने खाने की शुरुआत है। और दाल फ्राई और जो है दम आलू का ऑर्डर किया है, खा रहे थे और खाना खा के अब आ गए हैं। अल्ताफ को दाल अच्छी नहीं लगी है ना अल्ताफ? दाल अच्छी नहीं लगी, दाल अच्छी लगी थी, और सब्जियां नहीं मिली बढ़िया, और सब्जी इतनी अच्छी नहीं थी, दम आलू सही नहीं लगे, चंदा प्रभु जी को पसंद नहीं आए, कैसे कह रहे थे कि हींग कम है, जबकि दम आलू में तो हींग डलती नहीं। और जो हमने कमरा लिया है उसकी रेट कितनी है? 2000 रुपये ना, 7 कैंडिडेट की उन्होंने 2000 रुपये लिए हैं। और जो है कूलर लगा हुआ है, उसके अंदर खिड़की भी है, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा लॉज है। लॉज का नाम क्या है, देखा था क्या आपने जगदीश जी? लॉज का नाम देखा था क्या आपने? लॉज का नाम देखा, वहीं जाकर देखते हैं। सामान फिलहाल हम वहाँ रख दिए हैं, और उनका जो व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, सपोर्टिंग नेचर लगी। और हाँ एक और बात, देखिए कलीम के पास में मूंगफली और है, यहाँ पर हम मूंगफली भी लाए हैं, काली थैली से आप धोखा नहीं खाए, इसमें मूंगफली है, तो मूंगफली खाना खाने के बाद में जो है वहाँ जाके खाएंगे घर पे जाके। तो आ गए हैं लॉज में जहाँ पर हमने रूम लिया है, तो ये सामने जो है हमारा लॉज है, इसका नाम सेंचुरी टूरिस्ट लॉज इसका नाम है।
चलते हैं सीधे अंदर। ये देखिए आप दोनों यहाँ पर अभी अभी हमें मिले हैं, तो ये एग्जाम देना है लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कूलर नहीं चलाया तुमने? कूलर हमें तो गर्मी लग रही है तो कूलर चलाओ थोड़ा सर के लिए। और ये हमारी चाबी भी इन्होंने ले ली है। तो फाइनली आ चुके हैं रूम पर। क्या कर रहे हो यार? देखिए जगदीश जी ने मेरा तकिया चोर लिया। जगदीश जी ने मेरा तकिया चोरा है जिस तकिए में मैं सो रहा था, इन्होंने चुपचाप से निकाल लिया। देखिए इधर कलीम बहुत देर से परेशान था, जब से ये वहाँ गया मार्केट में तब से पसीने से लथपथ घायल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अब जाके तुरंत से अपना मोबाइल संभाला है, यहाँ पर कूलर चल रहा है, ठंडी हवा फेंक रहा है, और मैंने यहाँ हेडफोन इसलिए लगा रखा था कि आवाज़ सही आ जाए। और अल्ताफ कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि अल्ताफ का एस कौन से टावर में आते हैं यहाँ पर? और अल्ताफ का बिस्तर वहाँ पर नीचे लगाया है क्योंकि इसको ठंड लगती है रात में 11 बजे बाद में, है ना? ये कैसा है? ये तो जगह मेरी है, मैं किसी को भी नहीं सोने दूंगा। हाँ यू सो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारे एक साथ आ जाएंगे, किस प्रकार से सोते हैं, सोने की व्यवस्था देख रहे हैं किस प्रकार से। उन दोनों क्यों नहीं है? मुबली खाने और अब मुबली खाएंगे। आओ ना मुकेश जी, मुबली खाएंगे ना। आओ, अरे यार कैसी बात करते, मुबली खाओगे क्या? आओ। और यहाँ पर हम मुबली भी लेके आए हैं, थोड़ी सी भरतपुर की मुबली कैसी होती है खा के देखेंगे, अभी बताते हैं आपको। जगदीश जी खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत बढ़िया था, मनपसंद की दाल। और ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल गए, खाना पसंद नहीं आया। यहाँ पर देखिए चोरी पकड़ा हुआ है ये जगदीश जी की, इसमें तुरंत कलीम बजाएगा बिल्कुल से बताना कलीम खाना कैसा खाना था ये लो। अरे दोनों झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। खाना खाना दाल तो सही थी, दम आलू तो ज्यादा ही बेकार थे, दम आलू कच्चे और थे। और ये दम आलू जो है वो शख्स मैं आपको दिखाता हूँ जिनकी वजह से दम आलू हमें लेने पड़े, ये चंदा प्रभु जी, इनके मंत्र की वजह से मुझे दम आलू लेने पड़े हैं। बहुत ही खतरनाक वाला इन्होंने मंत्र मारा। और अब देखिए हमारे साथ में जो है मुकेश जी आ गए हैं, तो मुकेश जी से, मुकेश जी तो खाना लेकर आए थे, तो मुकेश जी अब मुबली खाएंगे आप। और वो खाएं बुद्धि प्रकाश जी, बुद्धि प्रकाश जी भी आ रहे हैं, तो उनको भी दिखाता हूँ मैं वो कहाँ है। मैं आपको वहीं चल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इनका जो है खाना बनाते हैं यहाँ पर। और अब मैं सीधा वहीं पर जा रहा हूँ बुद्धि प्रकाश जी के पास, और वो सो रहे हैं। और देखिए खाना वाना सबने खा लिया है, लेकिन जगदीश जी 5 रोटी खाने के बाद इनका पेट नहीं भरा, तो ये मूंगफली भी लेकर आए 20 रुपए की। और मूंगफली भी ये मान लीजिए मैंने तो 3-4 खाई है, सारी मूंगफली का अकेले खा गए, बताओ आप, है ना? तो ये और अभी एक दुर्घटना होती होती बची है। अल्ताफ देखिए बिल्कुल बिल्कुल अलग ही किनारे बैठा हुआ है, मेरे पास एयरटेल के टावर नहीं आ रहे, तेरे टावर नहीं गए मुझे। अल्ताफ बोल रहा है कि एयरटेल के टावर नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूँ अगर तू गिर जाएगा तो तेरे टावर ही चले जाएंगे। देखिए अल्ताफ ने भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया मूंगफली पूरी, और उन्होंने मैं तो वीडियो बनाने में रह गया, और सारी मूंगफली जिस शख्स ने खाई है उस शख्स को मैंने पकड़ लिया, ले लिया। मूंगफली खाते ही तुरंत को नींद आई है, तुरंत जगह तुरंत उन्होंने लगभग 20 रुपए की 200 ग्राम मूंगफली आई थी, जिनमें से 100 ग्राम मूंगफली अकेले खा गए, और 100 ग्राम में देख ली 1, 2, 3, 4 और 5 जने, तो 20 ग्राम हमारे पातिया ही है और बाकी सारी खा गए। देखिए होटल का खाना खाने से जो है अल्ताफ के पेट में कब्जी हो गई है, और ये पेट सफा चूरण जो है वो लाए हैं रोटी में जो है मैदा थी, तो मैंने मना किया था कि तवा रोटी खा लो, तुमने कहा था कौन सी रोटी के लिए, कौन सी रोटी थी, क्या नाम था, तंदूरी। मैंने मना भी किया था कि भाई तवे की खा लो, लेकिन नहीं इनको तो क्या भाई मुझे तंदूरी रोटी खानी है, और उसी तभी तंदूरी रोटी की वजह से इसको देखिए आप पेट सफा हर रोग दफा चूरण करना पड़ रहा है, और चेहरा भी देखिए अल्ताफ का बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आ रहा है। तो बस फाइनली अब सोने की तैयारी करते हैं, मुझे भी हल्की हल्की नींद आने लग गई है, चश्मा मैं हटा लेता हूँ।
चश्मा इसलिए अलग आता क्योंकि आंखें थोड़ी थकी थकी सी हो रही थी, इसलिए तो अब सोने की तैयारी करते हैं। और 6:30 बजने वाले हैं, मैं और अल्ताफ तो ना ले आऊँ, कल ही अभी कुछ किताब पढ़ रहा है, तैयारी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में किताब नहीं, रेट देख रहा है खाने की क्या क्या रेट है। और चंदा प्रभु जी नहाने गए हुए हैं अभी, गेट लगा हुआ है और जो है अब चाय पीने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, जैसे ही कलीम रहेगा चंदा प्रभु जी नहाएंगे, हम तुरंत जो है चाय पीने के लिए बाहर चले जाएंगे। फाइनली एग्जाम देकर आ गए हैं, सबके चेहरे थके थके आपको दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में। कहाँ पर है जगदीश जी का? दिखे पर बहुत अच्छा हुआ है, भी वो उतर गए। और ये है भरतपुर रेलवे स्टेशन, और ये फिलहाल खड़े हुए हैं भरतपुर स्टेशन पर पानी की बोतल, नकली वाली, असली है क्या? दिखाना असली है, नहीं बिल्कुल बिस्लेरी है, इसमें शायद दिख रही नहीं होगी, इसमें उल्टा दिखता है फ्रंट कैमरे में, है ना, बिस्लेरी की मिली है राकेश, उसको बहुत खोजबीन के बाद में, वरना यहाँ पर तो मिलती है, क्या नाम है, बेले या रेल नीर, यही मिलती है ना। और चेहरे सबके मुरझाए हुए हैं, सिर्फ राकेश का चेहरा चमक रहा है, देखिए आप अलग तरह की चमक और निखार, हेरन लवली का ही निखार है, और सबके चेहरे हमारे तो मुरझाए रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए 3 दिन किसी ने पिटाई करी है लगातार, ऐसा चेहरा नजर आ रहा है यहाँ पर।